सामने है भैया अपनी लड़की, ये आ गई, ये लड़की मिल गई भैया, क्या हाल चाल। तो भाई फाइनली हमारी अन्नू हमको मिल चुकी है, और ठीक है चलें, चलिए पक्का। और मतलब आज मैं फिर से दोबारा से नीम करोल जी के आश्रम जा रहा हूँ, तो अभी उसका फोन आया कि वो भी मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रही है। और गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ, तो भैया मैं आ गया हूँ पहाड़ों में, अपने गांव में। और आज सुबह सुबह की ना मतलब वाइब भी अलग है यार, सच में पता नहीं यार, यहाँ पे 8 से 9 कब बजते हैं पता ही नहीं चलता है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि भैया कि सुबह के 6 बज रहे हैं, आपको यहाँ का मौसम देख के ऐसे लग रहा होगा। बट अभी मैं आपको सच बताऊँ ना तो टाइम हो गया है 9:30 बज चुके हैं, और मैं अभी बिस्तर से उठाऊँ। और मैंने बताया यहाँ ना सब लोग घास को चले गए, मामी घास को चले गई है, नानी ना नीचे खेतों की तरफ चली गई है। मैं अभी उठाऊँ जस्ट, तो मुझे लगा कि आप लोगों के सामने एक बढ़िया सी गुड मॉर्निंग कर लेता हूँ पहले। और यार यहाँ का मौसम कितना सुहाना है ना, वहाँ गर्मी से ना सुबह 7 बजे भी ना मेरे को पंखा चाहिए होता था अपने घर पे, बट यहाँ तो ना पूरी रात में कम्बल ओढ़कर सोया था। सच बोलूँ ना, अगर कभी कोई मुझसे कहे ना कि कोई फेवरेट जगह तुम्हारी जिंदगी में जहाँ आप घूमना चाहते हो, जहाँ आप कुछ समय रहना चाहते हो, तो वो ये मेरा गाँव है, मेरा पहाड़ है, मेरा उत्तराखंड है। इसके अलावा मुझे, मैं हर जगह घूमता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, वो अलग बात है, बट मैं कश्मीर भी गया, मैं हिमाचल भी गया, लेकिन जो सुकून मेरी देवभूमि उत्तराखंड में है ना, वो मुझे और कहीं नहीं मिलता है। दिन की शुरुआत करते हैं। तो दादी दादी दादी, मैं चु तुम्हारा रोहित पहाड़ी, और आज मैं पवन दा के स्टाइल में ये कर रहा हूँ। पवन दा कभी मेरी वीडियो देखेंगे शायद वो कहेंगे कि भाई रोहित भाई ने तो कॉपी कर दिया यार। कोई बात नहीं, उत्तराखंड में पहाड़ों में आने के बाद ना तो दादी 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 मैं चु रोहित पहाड़ी वाला स्टाइल चलता है, ठीक है। तो दिन की शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से। और नानी नानी से खेत में गई है, तो नानी से मिलने नीचे खेत जाते हैं। तो भैया जी मैं आपको बता रहा था ना कि मतलब मैं इतना लेट उठाऊँ, नानी ना खेत भी चले गई है। हमारी फैमिली में कुछ और लोग भी रहते हैं, दो, एक गाय एक भैंस और एक गाय भैंस के छोटे छोटे बच्चे। और ये हमारे बगीचे हैं, इनमें सारे खीरे और पुलम खुमानी आड़ू सेब संतरे सब इसमें लगते हैं। तो नानी ना इनमें से कहीं एक किसी खेत में होगी, और मैं किस खेत में जाऊँ मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि खेत ना सारे फैले हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। चलो देखते हैं किस खेत में जाना है, पता करता हूँ मामा से कि यार नानी कौन से खेत में गई है। और ये देखो भैया, ओ गुड मॉर्निंग दोस्त, क्या हाल है तुम्हारे? गुड मॉर्निंग। यहाँ पहाड़ में ना जो मेरा घर है वो आपको पता है, ये अपना घर है, छोटा सा खूबसूरत सा महल है। और यहाँ ना इतनी खुशियाँ हैं जो बड़े बड़े महलों में नहीं होती हैं। और ये हमारा एक नया डॉगी इन्होंने पाला है आजकल, वरना पहले हमारे पास एक था अलग, और अभी हम पे 2 डॉगी हो गए। और ये देख रहे हो आप, ये हमारे खीरे के बेल लगी हुई हैं, नीचे बगीचे में लेके जाऊँगा आपको ना, वहाँ जाके मैं खीरे खिलाने वाला हूँ, पहाड़ों के कच्चे कच्चे खीरे। यहाँ बुबू के साथ आके बैठा हुआ था ना, मतलब मेरे नाना जी, मैं बुबू बोलता हूँ, तो नानी ना सुबह सुबह खेत से जाके भी आ गई है। देखो ये हमारी नानी, मतलब अभी मैं उठ रहा हूँ सुबह सुबह, और नानी खेत जाके हल्का फुल्का घास काट के भी ले आई है। और नानी ना खेत से मेरे लिए क्या लाई है, देखो ये एकदम ताज़ा ताज़ा कच्चा कच्चा खीरा। और अब ना फटाफट से कहते हैं इस खीरे को काटेंगे, बड़े प्यार से मेरे लिए ना खेत से आके सुबह सुबह लेके आ गई है। अब इसको काटने के लिए ना हमारे पास हथियार भी हैं, ये जिससे नानी घास काटती है, इससे आज खीरा काटेंगे। तो भाई मैंने बोला नानी को ना, नानी ये खीरा तुम्हें काटो, ऐसे गोल गोल काटोगे, लंबा लंबा काटोगे? कभी आपने ऐसे पहाड़ी खीरा खाया है? वैसे बाजारों में तो आपने हमेशा खाया होगा, लेकिन पहाड़ों में से बेलों में से तोड़ के ना जो खीरा खाने का मजा है वो अलग ही होता है यार। और खीरे लग रखे हैं अम्मा वहाँ? लगे हैं? बहुत लगे हैं। इसमें लहसुन वहसुन का नमक है, इसमें थोड़ी मिर्च विर्च और डाल के ना इसको थोड़ा और तीखा बनाना था। तो हमारा नानी ने ना खीरा वीरा काट के कर दिया तैयार, और हम चार लोग करेंगे पार्टी आज, होगी सुबह सुबह खीरा पार्टी। मामा नमक लगाओ। तो भैया ऐसे ना पूरे परिवार के साथ आपने मुझे धमूला में तो देखा ही होगा मेरे घर में, और यहाँ भी मेरा एक परिवार है। जैसे मैं वहाँ रहता हूँ ना, जब मैं कभी बहुत लंबी लंबी ट्रिप करता हूँ लद्दाख कश्मीर नेपाल, मैं जब जब घर आता हूँ तो तब तब मैं यहाँ भी आता हूँ। अगर 4 दिन में घर रहता हूँ तो 2 दिन यहाँ भी रहता हूँ। तो अभी हमारे कैसी हो रही नमक बताओ पहले? मस्त हो रहा नमक? सही पीसा नमक मैंने? अभी हाँ ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वो नमक मत खाओ यार। तो भैया मामा जी ने हमको लगा के दे दिया इसमें नमक। तो भैया पहाड़ आने का जो सबसे ज्यादा मूड था ना, वो इसीलिए था कि मुझे कच्चे कच्चे खीरे खाने। और अभी ना मैं कम से कम 10-15 दिन अब उत्तराखंड के इन पहाड़ों में हूँ। तो आप कौन से पहाड़ से हैं आप बताओ, और आपके यहाँ पे खीरे हो रहे हैं तो बताओ, क्योंकि मुझे खीरे बहुत पसंद है, मैं खीरे खाने जरूर आऊंगा। सही कह रहा नहीं कह रहा? क्या तुम्हारी भी नानी इतनी प्यारी है? सुबह सुबह बिस्तर से उठने से पहले नानी ना खेत से खीरा ले आई। और आज सुबह नाश्ते की तैयारी भी ना हम ही लोग कर रहे हैं, और नाश्ते में ना कल जो मैं मैगी वैगी लेके आया था ना, बढ़िया तरीके से मैगी बनाते हैं, और नानी नाना को ना मैगी खिलाते हैं। आपको मैगी पसंद है? पसंद है? पक्का पक्का पक्का। तो अभी नाना जी बोल रहे हैं आज बाजार जाएगा तो मिल रम ले आना, वो लाल वाली होती ना रम, लाल वाली रम ले आना। मैंने कहा उसका नाम बताओ। उसका नाम X3 रम था। X3 रम? XXX रम या X3 रम? X3 रम। तो भैया ये X3 रम क्या होती है मुझे बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, फिर मैं जाके आज बाजार जाऊंगा नाना जी के लिए, मतलब X3 रम लेके आनी है, नाना जी पियेंगे
ट्रिपल एक्स रम, ठीक है, एक्स थ्री रम। तो भैया मैगी बन के हो गई है रेडी, और मैं ना नानी के लिए मैगी लेके जा रहा हूँ। तो देखो मैगी कैसी बनी है, लेकिन मामा को दे दी, पकड़ो। ओके, तो आज हम नानी के साथ मैगी पार्टी करने वाले हैं। अच्छी लगती है मैगी? नहीं लगती, पहले बताओ। अच्छी लगती है? हाँ, अच्छी लगती। नानी को अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। मैं तो बहुत खाता लद्दाख में, बहुत ज्यादा। चलो कोई नहीं, खाया दिल? नमक मिर्च ठीक हो रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? हाँ, मैंने तो खा लिया अम्मा। मेरी अम्मा नानी को ना मैंने आपसे कहा था ना, चटपट चीजें बहुत ज्यादा पसंद है खाने में। आज अगर बाजार जाऊंगा तो शाम को जलेबी लेके आऊंगा, ठीक है? जलेबी खाओगे? जलेबी। तो भाई पहाड़ों में ना बहुत सारे काम होते हैं। मामा जी ने ना देखो अपना ये इसे क्या बोलते हैं, स्प्रे मशीन पंप। अच्छा, टमाटर और शिमला में दवाई डालनी पड़ती है इससे? कि ये कीड़ा मार दवाई है या कहते हैं पैदावार बढ़ाने की दवाई है? भी है इसमें। ऑर्गेनिक खेती क्यों नहीं करते, मतलब जो गोबर वाली खेती है, ये दवाई वाली खेती क्यों करते हैं? मजबूरी ऐसा है कि कीड़े लग जा रहे हैं। अच्छा, पूरी कीड़ों ने पूरा टमाटर खत्म कर दिया। तो भैया अभी मामा ने बस ये पंप रेडी कर दिया है, और ये टमाटर के खेत में जा रहे हैं, शिमला मिर्च के खेत में जा रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में इनके साथ हम भी खेत चलेंगे। तो भैया जी ऐसा है ना, हमने खाना वाना खा लिया है और नानी को मैगी वैगी भी खिला दी है। अब ना मैं ना बगीचे की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि तो देखो मैं अपने साथ ना हथियार भी लेके आ गया हूँ, और यहाँ ना चाकू नहीं मिला मुझे किचन में, तो मैं इसी को उठा लाया। बाकी नानी अंदर बैठी है, तो नानी ने बोला ऊपर ना पेड़ में जाके जाना, ऊपर खेत में तेरे को खीरे मिल जाएंगे बहुत सारे। तो मैं ऊपर की तरफ चल रहा हूँ, और देखो जब हम खेतों में खीरे खाने जाते हैं ना, तो इस तरीके से आपका नमक वमक पीस के ना थाली में ले आते हैं। हम दोनों जा रहे हैं बगीचे की तरफ। तो भाई यार बड़ी देर की मशक्कत के बाद ना मेरे को खीरे वाली बेल मिल गई, और ये देखो भाई खीरा कितना शानदार हो रहा है यार। और ऐसे कांटे वाले खीरे में ना खाने में सच में बहुत मज़ा आता है यार। इसको हम तोड़ लेते हैं घर से ना, बढ़िया वाला नमक पीस के लाओ। इसमें नमक में ना धनिया है, लहसुन है और हरी मिर्च है। हरी मिर्च मतलब एकदम बढ़िया वाला। आपको नमक आपने खाया होगा अपने घरों में भी, आपकी मम्मी भी बनाती होगी अगर आपकी मम्मी पहाड़ों से है तो। हर हर महादेव भाई। वैसे ना ऐसे बगीचों में बैठ के खीरा खाने का मजा भी अलग है। काटने के लिए मैं इतने बड़े हथियार का यूज़ कर रहा हूँ, और जितने भी लोग उत्तराखंड से अगर मुझे भी देख रहे हैं ना, आप कौन से पहाड़ से हो मुझे आप बताओ, क्या आपके वहाँ भी खीरे होते हैं? ओए होए 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 होए। अब इसमें ना हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे और नमक लगाएंगे बढ़िया तरीके से ऐसे। आहा आहा, मजा आ गया। अभी मेरी मम्मी भी ना वहाँ से वीडियो देख रही होगी, तो मुझे गालियाँ दे रही होगी, कह रही देखो अकेले अकेले खा रहा है। ऐसे नमक लगा के खाने में मेरा सब गिर गया भाई। मैं ना आपका दूसरा वाले खेत की तरफ आ गया हूँ। यहाँ ना मेरे नाना जी ना काम कर रहे हैं खेतों। क्या लगा रहे हो खेत में, क्या बो रहे हो? इसमें मेथी। मेथी? मेथी का बीज इसमें डाल दिया तब इसको गोड़ रहे हो, या अभी इसके बाद डालोगे मेथी? अच्छा, डाल दिए, दाने डाल दिए। अच्छा, नाना जी हैं, इनकी उम्र कम से कम 82-83 साल की उम्र है, और इस उम्र में भी ना ये अभी भी खेतों में पूरा प्रॉपर काम करते हैं बढ़िया तरीके से। पहाड़ के लोग इसलिए स्वस्थ रहते हैं, मतलब गुड़ाई उड़ाई, क्योंकि यहाँ पर ना ट्रैक्टर वैक्टर ऐसे चलता नहीं है कुछ, इसलिए सब कुछ ना ऐसे हाथों से ही करना पड़ता है सारे काम। भाई जी मैं ना आपका नाना जी ऊपर वाले खेत में काम कर रहे हैं, और मैं नीचे वाले खेत में आ गया, और यहाँ ना भाई शिमला मिर्च लगाई है। आपने कभी आज इतनी बड़ी शिमला मिर्च देखी? देखो ये भाई कितनी बड़ी शिमला मिर्च है, मैंने मतलब इतनी बड़ी शिमला मिर्च मैंने कभी नहीं देखी यार भाई। और ये पुराना हमारा शिमला मिर्च का खेत है देखो, और इधर ना बैगन भी लगाए हुए हैं, ये देख लो आप इस तरीके से ये सारे बैगन लगाए हैं। साइड में पूरी बाड़ कर रखी बैगन की, और इधर पूरे शिमला मिर्च, और बीच में पुलम और खुमानी के पेड़। भैया मैं ना आपका अपने केस ना नीचे की तरफ आया था, क्योंकि हम ना दुकान की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर ना पूरे पहाड़ों में एक आध दो दुकानें होती हैं, और हमारी मामी जी देखो उधर घास काट रही है। मामी बता रही थी कि असोज का महीना चालू हो गया है। तो ये असोज के महीने में क्या होता है ना, मतलब जो धूप पड़ती है ना वो इतनी कड़क पड़ती है, मतलब इसी गर्मी में ना यहाँ का जो पहाड़ों का जो घास होता है ना, जो हरा भरा घास आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा घास ना सूख के पीला पड़ जाता है। और असोज का महीना ना आपका पहाड़ों में घास काटने के लिए फेमस होता है, इसलिए बोलते हैं कि असोज के महीने में कोई बिल्कुल फ्री नहीं होता है। वो कहते हैं सारे जंगल का घास बुटोर बुटोर के काट के लूटे लगाते हैं, लूटे मतलब चट्टे लगाते हैं, ताकि वो अगले 2-3 महीने तक अपने जानवरों को पूरा खाना खिला सकें। तो भाई अभी ना मैं खेत से घर की तरफ आ गया था, और अभी एक खुशखबरी आई है कि हमारी जो है अन्नू ना, मैं जब भी यहाँ आता हूँ हमेशा यहाँ वो मिलती है। आप हमेशा मेरे सारे ब्लॉग में देखते ही रहते होगे, बट इस बार जब मैं यहाँ आया हूँ तो सारे लोग मुझे मिले बट वो नहीं मिली। तो अभी उसका फ़ोन आया कि वो भी मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रही है, और निकल चुकी थी हल्द्वानी से। तो एक काम करेंगे, थोड़ी देर में ना मार्केट जाके उसे ले आएंगे, क्योंकि यार यहाँ ना बस की सुविधा नहीं है। एक टाइम के बाद ना जैसे 3-4 बजे के बाद ना फिर यहाँ आने के लिए बस नहीं मिलती है, जिसका अपना पर्सनल साधन होता है वही आ सकता है। तो अभी हम थोड़ी देर में अन्नू को लेने भी जाने वाले हैं। आज हमारी अन्नू फाइनली दोबारा यहाँ आ रही है। भैया मैं ना घर से निकल गया हूँ मामा जी के साथ ही, हम अन्नू को लेने चले गए, और यहाँ से ना 1 किलोमीटर आगे मेरी बाइक खड़ी है। यार यहाँ ना घरों में जाने के लिए ना आपको पैदल बहुत चलना पड़ता है। अन्नू हमारा वेट कर रही है, आज
वो लड़की हमारे लिए क्या लेके आने वाली है, कौन लड़की आ रही है, उससे आके मिलके आते हैं, ठीक है, उसको सीधे अपने घर ले आते हैं। मामा ने बिल्कुल चश्मा पहना है काले रंग का, और एक काले रंग का चश्मा पहनने के पीछे वजह है ना, वो है मामा की आंखों का ऑपरेशन। और मामा कैसे लग रहे हैं इस समय, रोबोट पिक्चर के रजनीकांत जैसे, देखो भाई लग रहे कसम से, ये सौरभ जोशी के पापा की कॉपी है, देखो भाई। चलो हम ये कहते हैं आपसे, जितने लोग सौरभ जोशी को लाइक करते हैं उतने हमारे रोहित पहाड़ी भांजे को भी सब लाइक करें। कम से कम 20-25 मिनट हो गए यहाँ आने में, पहाड़ बनाया यार, इतना सफर करना पड़ता है अपनी घर से गाड़ी और गाड़ी से घर तक जाने के लिए। खड़ी तुम्हारे भाई की गाड़ी, ऐसे जंगल में गाड़ी को ना खड़ी करते हैं, बट ये पहाड़ों में ही है इसलिए ना सब कुछ पॉसिबल है कि गाड़ियों को ना कुछ नहीं होता है, वरना ऐसे हल्द्वानी में खड़ी हो जाए ना तो सुबह तक अपनी गाड़ी नहीं मिलेगी भाई। तो भाई ये सारा सब्जियां पड़ी है यहाँ पे हमारे गांव में ना, इस तरीके से जो लोग अपने गांव में खेती करते हैं ना, शिमला मिर्च मिर्च लगाते हैं, वो इस तरीके से लाते हैं अपने घर से डो डो के, और फिर यहाँ से ना गाड़ी आएगी और सारा माल ना लेके हल्द्वानी चली जाएगी। मतलब पहाड़ों का ना जीवन वैसे तो बहुत शानदार है, अगर दो चार दिन के घूमने के हिसाब से अगर पहाड़ों का जीवन देखा जाए ना तो बहुत शानदार है, लेकिन अगर यहाँ पर रहने के पर्पज से अगर देखा जाए ना तो बहुत सारा स्ट्रगल और बहुत सारी दिक्कतें भी हैं जो जिनके बारे में लोगों को मतलब पता नहीं हो पाता यहाँ पर। मतलब हम तो मतलब क्या ना, दो या तीन दिन घूमने आते हैं या टूरिस्ट पहाड़ों जब कहता है या नैनीताल घूमने चल रहे हैं, जब एक्चुअल में ना पहाड़ों में रहना पड़ता है ना तब पता चलता है कि पहाड़ की लाइफ कितनी टफ है। खाने के लिए भी ना आपको सामान, मतलब सामान लेने के लिए भी आपको 5-5, 6-6, 10-10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, पैदल पैदल 3-3, 4-4 किलोमीटर तक अपने घर से ऊपर आना पड़ेगा। और जैसे अपने घर की सब्जियां, आप सिर्फ सब्जियां लगाने का और बेचने से मतलब नहीं है, सब्जियों को लगाने के बाद ना उन सब्जियों को मतलब अपने अपने गांव से घरों से मतलब एक चौराहे पर आना पड़ता है कि जहां से अब आपका घर यहां से 4 किलोमीटर दूर है या 5 किलोमीटर दूर है, फर्क नहीं पड़ता, आपको अपनी सब्जियां बेचनी है तो आपको अपने सर पर अपने बच्चों के सर पर रख के ना सारा माल ढुलवा के यहां पर लाना पड़ेगा। उसके बाद जब मंडी से गाड़ी आती है ना, फिर वो गाड़ी जाके मंडी तक सामान लेके जाएगी, तब जाके आपको रकम मिलती है। बट यार सैल्यूट है पहाड़ के लोगों को, मतलब फिर भी इतने दिल खुश रहते हैं। बाहर लोगों का पैसा है, सब कुछ है, नौकरी है चाकरी, यहाँ पे ना नौकरी ना फैक्ट्री ना कुछ, फिर भी उनका दिल इतना खुश रहता है। और बाहर लोगों का पैसा है, संसाधन है कमाने के खाने के, फिर भी उनके दिमाग में चिल्लम चिल्ली और चोरी चकारी रहती है। तो इसलिए इसी बात के लिए भैया देवभूमि उत्तराखंड और पहाड़ के लोगों को ना लोग सैल्यूट करते हैं, लोग प्यार करते हैं। तो भाई मैं ना घर से निकल गया हूँ भैया अन्नू को लेने के लिए, अभी ना मैं मतलब काफी एक्साइटेड हूँ यार। तो चलो चलते हैं कैची धाम मंदिर की तरफ और जाके अन्नू को लेके आते हैं, और अगर मौका मिलेगा ना इस टाइम पे तो धाम के दर्शन भी आपको मैं करा दूंगा। देखो सामने है भैया अपनी लड़की, ये आ गई, ये लड़की मिल गई भैया, क्या हाल चाल है, बढ़िया, चल भाई बैठ जाएगा। तो भाई फाइनली हमारी अन्नू हमको मिल चुकी है, और ये ना मैं 2 दिन से यहाँ पे घूम रहा हूँ और ये अभी आई है, हम लोग इसको मैं इसको लेने आया था यहाँ पे आपका ऊपर गाँव से नीचे की तरफ, और ना पीछे आपको दिखाई दे रहा है आपको कैची धाम का मतलब मंदिर है बाबा नीम करौली आश्रम का। तो हम एक काम करते हैं, इसको लेने आए थे तो इसके साथ साथ ना कैची धाम के दर्शन भी कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं नीम करौली बाबा का आश्रम, ठीक है, चलें, चलिए, पक्का। और कैसा रहा सफर तेरा, बढ़िया शानदार, उल्टी उल्टी कितनी हो गई ये बता, इसको ना इसको पहाड़ की वसों में उल्टी हो जाती है, ठीक है, ये छुपा रही इस बात को, लेकिन ये मैं सच सच बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो शाम को अभी इसका फोन आ गया तो उसको लेने आ गया, इसी के बहाने ना मतलब आज मैं फिर से दोबारा से नीम करौली जी के आश्रम जा रहा हूँ। और मतलब मैं जब भी मतलब कहीं से भी कोई ट्रिप मार के आता हूँ, चाहे लद्दाख जाऊँ, किसी भी आता हूँ, रिटर्न आता हूँ ना कोई भी ट्रिप खत्म करके, तो मैं नीम करौली जी के दर्शन करने आ ही जाता हूँ अक्सर। तो आज मतलब मैं कल से यहाँ पर आया था नानी के घर पे, और मैं 3 किलोमीटर का सफर था, मैं यहाँ पे भी नहीं आ पा रहा था। तो अभी अन्नू का फोन आया को लेने आ जाना फटाफट नीचे, तो इसी के बहाने हम नीम करौली जी के आश्रम में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। चलो चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करके आते हैं। फाइनली हम लोग आपका मंदिर के अंदर ना दर्शन वर्शन करके आ गए, और अभी ना शाम के 6 बजे का समय है इसलिए आपको पीछे घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर आप शाम के 6 बजे आप यहाँ मंदिर पर आते हैं ना तो आपको नीम करौली जी की आरती का दर्शन होगा, दूसरा क्या मिलेगा, चने, खाने के लिए चने मिल जाएंगे। इसकी वजह से मुझे भी आज फिर से दर्शन हो गए नीम करौली बाबा जी के, और मेरी आज सक्सेस के पीछे ना आज अगर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, सच बताऊँ ये मैं दिल से बता रहा हूँ, आज मैं अगर यहाँ पहुँचा हूँ ना तो उसमें कहीं ना कहीं नीम करौली बाबा जी का भी हाथ है, क्योंकि मेरा सबसे पहला जो ब्लॉग है ना जिसे मैंने YouTube कैरियर को स्टार्ट किया है, पहले ही ब्लॉग में मैं नीम करौली बाबा जी के आश्रम में आया हूँ, आप जाके देखना मेरे पहले ब्लॉग को। तो सबसे पहले मैंने नीम करौली जी के दर्शन करे और आशीर्वाद लिया कि यार भोलेनाथ एक बार फिर से मैं ये काम कर रहा हूँ बॉस, मुझे सफलता दिलाना, बाकी मेरी तरफ से अपने मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, बाकी अपना हाथ ऊपर से रखना, इसलिए मैं जब भी कहीं से आता हूँ ना तो एक बार दर्शन कर लेता हूँ। भैया ऐसा ना मंदिर के दर्शन करने के बाद ना मंदिर के पास में एक स्टॉल थी जहाँ पे ना हम इसकी पार्टी करा रहा हूँ, और यहाँ पे ना पार्टी वार्टी कराने के लिए मतलब पिज्ज़ा विज्ज़ा बर्गर वर्गर इधर अगर नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगी पहाड़ी बिल्कुल केतली वाली चाय, और चाय के तो हम कितने बड़े दीवाने हैं आपको पता ही है, मेरे सारे ब्लॉग में देखते हो जब मैं ट्रैवल करता हूँ, सबसे बड़े उठ के अपने कैंप में ना मैं चाय बनाता हूँ। तो आए हैं तो नीम करौली बाबा के दरबार पे एक चाय हम पी लेते हैं इस लड़की के साथ, ठीक है। तो भैया चलो अपनी चाय आ गई है, मुझे अभी भी पता चला है लड़की चाय नहीं पीती है। तो भाई फाइनली हम लोग घर पहुँच गए, और
देखो ये अपना घर, और पता इतने अंधेरे में आया ना अभी हम लोग, मतलब यहाँ ना बाघ का भी इतना डर लग रहा था। क्या अन्नू बनाएगी हमारे लिए बढ़िया वाला खीरा, खीरा मतलब रायता। क्या कल अन्नू हमें क्या घुमाने वाली, कहाँ घुमाने वाली, बोले ये बता। चोली की जाली, चोली की जाली, और मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर रामगढ़, वही तो पता चलेगा। तो कल हमें और अन्नू ना मतलब एक हमारी एक ट्रिप होने वाली है, कल मैं अन्नू निकलने वाले हैं यहाँ से आपका मुक्तेश्वर के लिए। मुक्तेश्वर जाएंगे या कहाँ जाएंगे पता नहीं, लेकिन इन पहाड़ों में ना एक कल जबरदस्त सी ट्रिप होने वाली है मेरी और अन्नू की। तो कल के ब्लॉग को देखने के लिए मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार अगर आए हो तो हमारे चैनल पे क्या करना है, लोगों को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है। और अन्नू को फोन हम बाद में देंगे, ठीक है। सर गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, और कल मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।